हेलो एवरीवन, कैसा कहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंसल्टेशन टर्म के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड बहुत कम कैलकुलेशन करके भी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घर में हमारे वाटर होता है और उसमें खाने वाला नमक डैट इज़ सॉल्ट ऐड कर दो, तो डालने से पहले वो कैसा रहता है, सॉल्ट सॉलिड रहता है और वाटर लिक्विड। लेकिन जब दोनों को ऐड कर दे तो कैसा हो जाता है, पूरा लिक्विड हो जाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, प्रॉपरली मिक्स हो गया। अब आप उसको सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, तो इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। और यहीं से एक पॉइंट और निकल के आया, ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन का स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट का लिक्विड था तो सॉल्यूशन का भी स्टेट लिक्विड ही हो गया। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना, सॉल्यूशन का स्टेट वही होता है जो सॉल्वेंट का है। तो ये इजी, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते। नाउ वो ट्रिक की बात करते हैं जिसमें हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म को एक साथ समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं वो सब के सब का बेसिक फंडा बेटा यही है, और इसलिए यही ट्रिक का पॉइंट है। ऑलवेज ऊपर में सॉल्यूट होंगे। कौन होंगे ऊपर में? ऊपर में ऑलवेज सॉल्यूट होगा, नीचे में सॉल्यूशन होगा 99%, सिर्फ एक केस में सॉल्वेंट है। समझ गए बात। ऊपर में सॉल्यूट का आप क्या क्या ले सकते हो, आइदर वेट या मास। केमिस्ट्री में वेट या मास एक ही बात है, सॉल्यूट के मास या वेट हो सकता है, या वॉल्यूम हो सकता है, या मोल हो सकता है, राइट। वैसे नीचे में सॉल्यूशन का वेट या मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या मोल्स हो सकता है। तो ये फिक्स है बेटा, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म कैसे डिफाइंड होगा, ऊपर में सॉल्यूट रहेंगे, नीचे में सॉल्यूशन रहेगा, सिर्फ एक केस में सॉल्वेंट रहेंगे। अब ये डिफरेंट एक तरीके से क्या हो गया, तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का। तो हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको मैंने दो टाइप में डिवाइड किया, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो सारे कंसंट्रेशन टर्म है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं या टेम्परेचर पे। ये वॉल्यूम या टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, डैट मीन्स ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, राइट। और उसमें टोटल 5 हैं और इजी हैं, ध्यान से देखना। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाय वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एकदम इसके इसमें ही इसका आपका डिफिनेशन छुपा हुआ, और डिफिनेशन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस पे ही ध्यान नहीं देते हैं इसलिए वो कन्फ्यूज रहते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तभी बताया ऊपर में कौन होगा सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में कौन होगा सॉल्यूशन तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओनली थिंग इज कि बाय डिफॉल्ट हम लोग वेट ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम ml में लेंगे, और परसेंटेज की बात करें तो इनटू 100, इसलिए यूनिट इसका ध्यान रखना ग्राम पर ml हो जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज वी बाय वी, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, ऊपर में अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि दोनों वॉल्यूम का रेशियो है तो आप किसी भी यूनिट में ले सकते हो, ओनली थिंग इज कि दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। ml ml में ले सकते हैं, लीटर लीटर में, मीटर क्यू में, और इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज है। जनरली जब हमें सॉल्व करना हो तो हम ml में बात करते हैं कि कितना ml सॉल्यूट का, कितने ml सॉल्यूशन का, राइट। तो ये ध्यान रखना है। वैसे ही स्ट्रेंथ एक वर्ड यूज होता है, तो वो भी वेट बाय वॉल्यूम ही है एक तरीके से, बट ओनली थिंग इज कि वेट अभी भी ग्राम में ले रहे सॉल्यूट का, लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में लेना है, लीटर में, इसलिए ये ग्राम पर लीटर है। इसलिए इसका और इसका रिलेशन यहीं से निकल जाएगा कि स्ट्रेंथ जो होगा वो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैट इज मोलारिटी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज भी करेंगे। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऊपर में सॉल्यूट के, नीचे में वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ध्यान रहे कि इसमें लीटर में फिक्स है, तो ये मोल्स पर लीटर है। और वैसे ही एक होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैसे डिफाइंड होता है, मोलारिटी जो ये है इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, एसिड के केस में कितना एच प्लस वो दे रहा है, बेस के केस में कितना ओ एच माइनस वो दे रहा है, एंड सॉल्ट के केस में कितना टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, यहाँ से आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो 5 आपको टाइप ए वाले कंसंट्रेशन टर्म है सब इसी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर में सॉल्यूट है सब में, नीचे में सॉल्यूशन है, राइट। और डिपेंडिंग क्या वेट ले रहे हो बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ले रहे हो तो वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएंगे, राइट। मोल्स बाय वॉल्यूम ले सकते हैं तो वही मोलारिटी हो गया। तो इनमें ऊपर में से कोई एक चूज करना है, नीचे में से कोई एक, और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, यहीं से आपको करना है।
दूसरा जो है टाइप बी, डेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करते हैं, और मास पे डिपेंड करने की वजह से टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसी वजह से ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। राइट, नाउ इसमें कौन है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो नेम से क्लियर हो गया, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऊपर में सॉल्यूट होगा, नीचे में सॉल्यूशन होंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज जहाँ पे वर्ड हो तो मतलब 100 में बात हो रही है। अगेन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है तो सिर्फ यहाँ पे यूनिट मेंटेन करना है, ग्राम ग्राम में ले सकते हो, मिलीग्राम मिलीग्राम में, केजी केजी में, जो यूनिट जनरली हमें कुछ नहीं गिवन हो तो हम किस में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं। राइट, वैसे ही एक होता है पार्ट्स पर मिलियन एंड एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, पी पी एम पी पी बी, तो ये भी इसको ही देख करके बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं है, ये परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जैसा ही है, बस ओनली थिंग परसेंटेज था तो आपने 100 लिया यहाँ पे, दैट इज 10 की पावर 2 लिया, तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या लेना है, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, और पार्ट्स पर बिलियन होगा तो क्या लोगे, 10 की पावर 9, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, मास ऑफ सॉल्यूट नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसलिए ये नया चीज़ नहीं है। वैसे ही एक होता है मोलालिटी, ध्यान रहे ये है मोलालिटी कैपिटल एम और ये है मोलालिटी स्मॉल एम, तो ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे में, बस यही वो केस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा है, ओनली केस है जहाँ पे सॉल्वेंट है, अदरवाइज नीचे में ऑलवेज सॉल्यूशन होते हैं। और मास लेना सॉल्वेंट का वो भी किस में, फिक्स है केजी में, इसलिए इसका यूनिट ध्यान में रखना है, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, इसी में आपको लेके आना। वैसे ही मोल फ्रैक्शन, तो नेम से क्लियर है फ्रैक्शन मतलब वन से लेस हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मतलब जिसका भी निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर में, सॉल्यूट के नीचे में टोटल मोल्स हो जाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, तो ये मोल फ्रैक्शन है। नाउ ध्यान से देखो, तो अगर आपको टाइप ए में से इसमें से किसी दूसरे में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आप जा सकते हैं। वैसे ही टाइप बी में अगर आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से पी पी बी में या मोलालिटी में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ए से बी में जाना हो या बी से ए में आना हो तो आपको डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, किसका डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। अगर ए से ए में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बी से बी में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी या बी से ए में आना हो तो डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। बहुत सारी बुक में इनके कन्वर्जन का फार्मूला गिवन होता है, मैं बिल्कुल इसको मना करता हूँ बेटा, आपको कोई भी फार्मूला नहीं याद रखना, बस ये बेसिक फार्मूला ध्यान में रखना है। अगर मुझे इधर से इधर जाना तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे डेंसिटी दे करके, क्यों, क्योंकि आपको बेसिक फार्मूला मालूम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो हमें क्या चाहिए क्या गिवन है। राइट, यूनिटरी मेथड का पूरा हम यूज करेंगे, इसलिए मैं कोई भी अदर फार्मूला कन्वर्जन का ना लिख रहा हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको याद भी नहीं रखना है, डायरेक्ट ये बेसिक जो कि बहुत ईजी है, राइट, ये याद रखना, इससे हम कन्वर्ट कर लेंगे, अभी हम अप्लीकेशन से आपको बताएंगे भी। क्वेश्चन नंबर वन में 300 ml ऑफ बोटल कंटेन 0.2 मोलर CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिजोल्व एट STP इन ml में बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 0.2 मोलर का मतलब क्या हुआ कि 0.2 मोल है CO2 का इन 1 लीटर, डेट मीन्स 1000 ml में, पहले ये रीड करने आना चाहिए, राइट, 1000 ml अगर लोगे तो उसमें 0.2 मोल है, लेकिन हमने लिया कितना है 300 ml, तो कितना मिली मोल्स हो जाएगा या मोल्स निकाल सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 300 को डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से, क्यों किया, क्योंकि लीटर में आ गया, इनटू में 0.2, तो ये क्या हो गया, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से ये मोल्स आ गए, और एक मोल का वॉल्यूम, ध्यान दो, एक मोल का वॉल्यूम है इतना लीटर, हमें ml में निकालना है, तो इतने मोल्स का कितना हो जाएगा, तो 22700 ml, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, ये 10 एक जीरो से, दो जीरो से, ये दो जीरो कैंसिल, और ये दो जीरो से, ये दो जीरो कैंसिल, राइट, तो अब ये 3 to the 6 इंटू 227 आ गया, तो ये 1362 ml आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर टू में सम अमाउंट ऑफ CH2Cl2 इज एडेड इन इतना ml ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन टू प्रिपेयर इतना मोलारिटी एम कैपिटल एम है सोल्यूशन ऑफ दिस, पार्ट्स पर मिलियन आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको डेफिनेटली मोलारिटी से ppm में जाना है, तो डेंसिटी गिवन है, राइट, इसलिए हमने बोला कन्वर्जन वाला कोई ध्यान नहीं रखना है। तो ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ से क्या निकल सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम आपको मालूम है कितना, ध्यान से देखो, 671, और डेंसिटी कितना है 1.49, तो ये अप्रॉक्स में 1000 आ जाएगा, राइट,
थाउजेंड, ध्यान रहे ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों है, वन सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो वन ml ही होता है, तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो ये हमें मास आ चुका है सॉल्यूशन का, चूँकि हमें निकालना क्या है ppm, तो इसलिए ppm डिफाइंड कैसा था वो बताओ मेरे को, वेट मुझे सॉल्यूट का चाहिए, नीचे में मास या वेट सॉल्यूशन का चाहिए जो कि आ चुका है, इनटू में 10^6 करना है, तो सिर्फ मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन दिया है कि इतना मोलारिटी है, वॉल्यूम भी मालूम है, तो यू नो अगर मैं 2.6 × 10^-3 मोलारिटी क्या होता है उसके मोल्स, अब कितना अमाउंट मान लिया एक्स अमाउंट, तो एक्स डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट 85, तो ये मोल्स हो गए, बाय वॉल्यूम कितना था 67 ml था, तो 0.67 लीटर हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्स ग्राम आ जाएगा। तो कैसे, ध्यान से देखो, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.6 × 0.67 राइट, और 85 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 10^-3। अब यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन में टाइम लगाते हैं, ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो एक्स कैसे निकालूंगा मैं, ये 2.6 को मैं 2.5 ले रहा हूँ, तो 25/10 लिख रहा हूँ, 0.67 को अगर मैं 0.70 लूँ तो 70/100 लिख रहा हूँ, 85 को मैं 90 ले रहा हूँ, और इंटू में 10^-3, तो ध्यान से देखो 1020 से ये गए 79 का कितना हो गया 63, जिसको अप्रॉक्स में मैं 60 ले रहा हूँ राइट, तो ये 60 आ गया, तो एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल, तो ध्यान से देखो आप सिर्फ क्या हो जाएगा 25 × 6 = 150, तो कितना हो गया ये 150 × 10^-3 इतना ग्राम हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 150 × 10^-3 बाय ये 1000 था, और पार्ट्स करने तो 10^6, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 150 के आसपास वाला आंसर होना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे करना आपको बेटा अप्रॉक्स कैलकुलेशन, क्योंकि ऑप्शन गिवन है तो वो आपका कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाह रहा है, जस्ट वो आपका माइंड को चेकअप करना चाह रहा है कि आप कैसे अप्रोच करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में मास रेशियो ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू मेकिंग 500 g 0.25 molar, ध्यान दें मोलल है स्मॉल m, एंड 250 ml ऑफ 0.25 molar सॉल्यूशन, तो राइट, तो एक बार मोलारिटी की बात हुई है, एक बार मोलालिटी की बात हुई है, मोलारिटी में 0.25 मतलब 1/4 बनाना है, मोल्स हमें निकालना पड़ेगा, तो मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, तो वही वेट राइट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 62, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ध्यान से देखो तो 250 × 1000 आपको करना पड़ेगा, तो ये भी 1/4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे वेट जो हो जाएगा वो 1/16 राइट इनटू में 62 रहेगा, वैसे ये कैंसिल ही हो जाएंगे, और इधर मोलालिटी निकालूंगा तो मोलालिटी कितना चाहिए था, वो भी उसको 0.25 चाहिए मतलब 1/4, मोल्स निकालना है अगेन W डैश कर लेता हूँ, वही वेट का रेशो निकालना हमें, बाई ये भी 62 रहेंगे, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट और वो भी केजी में चाहिए ग्राम में, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से W डैश क्या हो जाएगा 1/4 × राइट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 × 62, तो ध्यान से देखो 62 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/8 है, ये 1/16 है, तो इसलिए मास रेशियो क्या हो जाएगा, पहले ध्यान रहे मोलल है स्मॉल m, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो 2:1 रेशो में, क्योंकि 1/8 है ये 1/16 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ यूनिट्स विच यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो यू नो मास परसेंटेज था राइट, मोल सिर्फ नहीं हो सकता क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर में सॉल्यूट था नीचे में सॉल्यूशन था या सॉल्वेंट था, तो सिर्फ मोल्स नहीं होंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे राइट, वैसे ही मोलारिटी ppm मोलारिटी ऐसा हो जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा इंटीजर टाइप में 5, इस टाइप के क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 80 g कॉपर सल्फेट .5H2O इज डिजॉल्व इन 5 L वाटर मोलारिटी कैपिटल m, तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय इस पूरे का आप निकालोगे मॉलिकुलर वेट, तो हो जाएगा 250, तो ये मोल्स हो गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो ऑलरेडी गिवन है, तो डेट इज 5 राइट, तो ये ध्यान से देखो तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8/125 हो जाएंगे, हमें आंसर 10^-3 में लाना है, तो हमें 10^3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा राइट, तो ये तो 10^-3 इसमें आ जाएंगे, ये 8 टाइम्स में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 × 10^-3
तो हमारा x कितना हो जाएगा 64। इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6 में सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव NOH। 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड डिजोल्व है 500 ml वाटर में, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? तो पहले तो सोडियम ऑक्साइड अगर आपका रिएक्ट करेगा वाटर से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करना है, दो सोडियम है तो यहाँ 2 लगा दो, दो Na, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसका आपने कितना लिया है 20 ग्राम, तो 20 बाई इसका मैं डिवाइड कर दूं मोल से, तो इसका इसके 1 मोल से इसका कितना मोल्स मिल रहा है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 बाई 62, डैट इज 40 बाई 62 मोल्स हैं इसके। हमें कंसंट्रेशन एनर्जी का निकालना है, तो मोल्स मालूम हो गया है, तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं 40 बाई 62 ये मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लेना लीटर में, 500 ml है तो 500 बाई 1000 लीटर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 80 बाई 62। ध्यान दें तो 62 को मैं अप्रॉक्स में 80 बाई 60 लिख रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1.3 के आसपास आ जाएगा। हमें आंसर कैसे देना है x इंटू 10 की पावर माइनस 1 में, तो वो कितना हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो x कितना आ जाएगा आपका 13। तो इस तरीके से आपको करना विदाउट कैलकुलेशन। 7 में कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू यू, मोलारिटी बताना है। तो ध्यान से देखो ये ग्राम पर लीटर में, मोलारिटी क्या होता है मोल्स पर लीटर में, तो सिर्फ ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ध्यान से देखो, तो एक तरीके से ये स्ट्रेंथ हो गया राइट, तो आपको क्या करना है 0.72 को डिवाइड कर देना इसके मॉलिकुलर वेट, 180 मोल्स पर लीटर हो गया ये राइट, तो बस इतना करना है। इसको आप निकाल दो तो नीचे 100 आ जाएंगे, तो ये 18 फोर द, तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होगा, तो x यहाँ से कितना आ गया कंपेयर करोगे तो 4। तो इस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का गिवन है मोलालिटी स्मॉल m, तो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का 0.8 है तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट का 0.8 है तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा आपका 0.2। बट ध्यान दो अब मैं कन्वर्जन आपको नहीं बताया हूँ, यहीं पे ध्यान से समझो, मोलालिटी मतलब क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट राइट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ चुके हैं हमें पास 0.2 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, तो इसलिए स्मॉल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे उसका मोल्स मालूम है 0.8, सॉल्वेंट कौन है वाटर, तो उसके मोल्स ये, और ध्यान रहे केजी में ये ग्राम में आएगा तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो तो ये 0.2 ऊपर 1000 चले जाएंगे, नीचे में 0.8 इंटू में 18, तो ध्यान से देखो ये कैंसिल हो गए 2 से 24 राइट। अब इसको भी मैं 18 को मैं कितना ले रहा हूँ 20, इसको अप्रॉक्स में अगर मैं 20 लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे राइट, और ये ध्यान से देखो तो 25 और ये फिर 12 के आसपास मतलब ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज़ कॉल्ड डायल्यूशन फार्मूला। बच्चे इसको रटते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें, कि ध्यान से देखो कोई पहले से आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसका मोलारिटी वॉल्यूम या नॉर्मलिटी वॉल्यूम या मोलालिटी वॉल्यूम गिवन होगा, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करो सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट ऐड करने से यहाँ तक के प्रोसेस में क्या सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, मोल्स अब यहाँ जितना था वहीं इतना भी रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया है, तो इसलिए मोलारिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा ये मोल्स हो जाएंगे राइट, एट कंडीशन 1 शुड बी इक्वल टू मोल्स एट कंडीशन 2 राइट, क्योंकि मोल्स में कोई चिन्ह होगा सॉल्यूट के, किसके सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के तो होंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पे ऐड कर रहे हो, तो बस वही फॉर्मूला है ये, तो इसलिए M1V1 इक्वल टू M2V2 कर देते हैं। इसमें बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे 5 ग्राम NOH डिजॉल्व इन 450 ml वाटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml 0.1 मोलर, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन में निकाल लो, तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 5 ग्राम है बाय 40 NOH मोल्स बाय वॉल्यूम कितना था 450 लीटर में ले जाओगे तो बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 5 बाय 40 इंटू 450 ऊपर में हो जाएंगे 1000, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये 5 × 9 = 45, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखो 10/36, ये आपका आ गया। नाउ इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए सो डैट ये मिले, तो वही कर दो 10/36, वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, वॉल्यूम अगर ml में निकालना है तो इधर भी ml में रख सकते हो 0.1 इंटू 500 ml है राइट, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा आपको, तो ये 0.1 का आप क्या कर सकते हो 10, तो ध्यान से देखो v कितना आ गया
500 इंटू 36, राइट, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे में ये 10 और ये 10, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया ये 180 ml, डैट मीन्स इस सॉल्यूशन का 180 ml चाहिए, सो डैट हमें ये वाला कंसंट्रेशन और वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बेटा हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उससे रिलेटेड बातें कर ली हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें यूज होने वाली हैं। अगर डायरेक्ट वो वैल्यू दे दिया तो बहुत ईजी हो जाता है, अदरवाइज आपको पहले वो वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले हैं सब ईजी के ईजी रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।